1/1/2014 को स्टॉक प्राइस थी और इंडेक्स था, 1/1/2020 को स्टॉक प्राइस थी और इंडेक्स था, 23 मार्च 2020 को जब निफ्टी लोएस्ट पॉइंट पे था तब स्टॉक प्राइस थी और इंडेक्स था और करंट प्राइस है और इंडेक्स है। यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं। अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टॉक में चार बातें होनी चाहिए। एक, लंबी अवधि में शेयर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए। दो, जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टॉक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले। तीन, जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टॉक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले। चार, हमारा शेयर अपने सेक्टर का टॉप शेयर होना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा शेयर निफ्टी से बेटर है या नहीं, यानी कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे। अगर आपको सेक्टर का टॉप शेयर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 1/1/2014 को 1 लाख रुपए इस शेयर में इन्वेस्ट किए, 6 साल बाद 1 जनवरी 2020 को इस शेयर में इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए हो गए। मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई और करंट शेयर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1/1/2014 के दिन 1 लाख रुपए निफ्टी 50 शेयर्स में इन्वेस्ट किए, 6 साल बाद 1/1/2020 के दिन निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए हो गए। मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई और करंट निफ्टी 50 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 50। में एप्रिसिएशन ज्यादा हुआ है इसलिए फर्स्ट पॉइंट निफ्टी ने जीत लिया है। सेकंड पॉइंट, शेयर ने जीता। थर्ड पॉइंट, निफ्टी ने जीता। ओवरऑल निफ्टी जीता। यही 1 लाख रुपए की अगर हमने 8% इंटरेस्ट से फिक्स डिपॉजिट की होती तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती। एफडी के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया, ये शेयर ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया। विनर है आज। अगर किसी को 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने हैं तो वो क्या करे, ये स्टॉक में इन्वेस्ट करे, निफ्टी 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे या एफडी में इन्वेस्ट करे। ये शेयर के और निफ्टी के एन्युअलाइज्ड रिटर्न परसेंटेज हमने देखे, वही रिटर्न परसेंटेज अगर भविष्य में भी कंटिन्यू होंगे तो 1 साल के बाद क्या होगा।
थैंक यू।